हमारे पुलिस के पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पिंचा जी, संजय जी, हमारे नवोदय विद्यालय के पूरे यहाँ के प्राचार्य एवं सभी मंचासीन और कार्यक्रम में उपस्थित पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, प्रोफेसर रौतेला जी, श्री देवेंद्र नेवाड़ी जी, प्रोफेसर एस ए हामिद जी, प्रोफेसर बीपी पांडे जी, अशोक पंत जी, श्री चित्रंजन कौल जी, श्री अवधेश वर्मा जी, श्री राजेंद्र बिस्किल जी, डॉक्टर कमल पांडे जी इसरो से, प्रहलाद अधिकारी जी, श्री संजय शुक्ल जी, डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी एवं यूकॉस के समस्त वैज्ञानिक एवं समस्त स्टाफ, हमारी अंजू भट्ट जी एवं सभी यहां पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आए हुए अतिथिगण और जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और मैं कहूं कि एक अभिनव पहल जिसके बारे में आज से ठीक 3 माह पूर्व हमने विचार किया कि इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए। बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला हमने लगातार जलाई है, लगभग कितनी हो गई, 8 हो गई, 10 श्रृंखलाएं विचारों की हम आयोजित कर चुके हैं जिसमें हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जिनके विशिष्ट अनुभव है, जिन्होंने विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, एक लंबा अनुसंधान किया है, लंबा सफर तय किया है, उन सबके विचार लेकर हम उत्तराखंड राज्य के विकास का मॉडल तैयार कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग जिनको आज यहां पर जिनका अभी मैंने उद्घोष किया अपने मुखारविंदु से, उनमें से बहुत सारे लोग कल्याण सिंह जी हों, राजेंद्र जी हों, रौतेला जी हों, वर्मा जी हों, कौल साहब, सबके सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का इस अवसर पर सबका मैं एक तो अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं और अपने सभी सीमांत जनपदों से आए हुए सभी विद्यार्थी, शिक्षक, वैज्ञानिक एवं प्रबुद्ध समुदाय का इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मैं सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस महोत्सव का मुख्य विषय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान है। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान विकास के दो ऐसे घटक हैं जो विज्ञान आधारित विकास के लिए एक फाउंडेशन का काम करते हैं, एक नींव का काम करते हैं। मेरा मानना है कि प्रथम सीमांत जनपद बाल विज्ञान महोत्सव में वैज्ञानिक अवधारणा को पुष्ट करने का कार्य तो करेगा ही। राज्य के 6 सीमांत जनपद जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हर दूरस्थ क्षेत्र तक वैज्ञानिक तकनीकी पहुंचे, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहुंचे। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और पिथौरागढ़ से आए लगभग 240 स्कूली बच्चे पिछले कुछ हफ्तों में ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धा में चयनित होकर यहां आए हैं और इस पूरे इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। मैं इन सभी बच्चों को, इन सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं को, मेरे बेटे बेटियों को, मैं सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जन जन तक विज्ञान पहुंचे, हर बच्चे में वैज्ञानिक सोच विकसित हो, यही हमारा ध्येय है और यही इस विज्ञान महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य भी है। यहां आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताएं जिसमें पोस्टर मेकिंग, ड्रामा, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, कविता पाठ आदि के माध्यम से आप सभी बच्चों को अनेक अनेक अभिरुचियों से सीधे सीधे मिलने का, रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। और इस विज्ञान महोत्सव करने के पीछे हमारी मंशा है
कि जो हमारे सीमांत जनपद है और पिछले दिनों माणा प्रवास के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां इन सीमांत गांवों को सीमांत क्षेत्रों को देश के पहले गांवों की संज्ञा दी है, पहले क्षेत्रों की संज्ञा दी है, इसलिए ये क्षेत्र इन सीमांत क्षेत्रों में भी विज्ञान की गूंज हो, पर्वतीय जनपदों में अध्ययन करने वाले हमारे छात्र छात्राएं वैज्ञानिक सोच उनके अंदर विकसित हो और वो विज्ञान के विषय में उनकी रुचि हो, इस हेतु ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। मेरा सुझाव है कि हर शिष्य को नई जिज्ञासा के साथ देखें। हमारे बच्चे कई बार विज्ञान विषय होता है, गणित विषय होता है या कोई अन्य विषय होता है तो हम अपने आप को बोझिल महसूस करने लगते हैं। ये विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और बहुत मैं कहूं जब एक बार हम इसमें घुस जाते हैं तो बहुत आसान विषय हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है और जिज्ञासा के साथ देखें इसको कि आपको लगना चाहिए, हमारे आए हुए सभी बच्चों को ये लगना चाहिए कि एक पाठ करने के बाद यानी कि एक लेसन पूरा किया, अगले लेसन के लिए जब हम जा रहे हों तो हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हर समय हमको लगना चाहिए कि अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं, अब हमारे जीवन में कुछ नया मिलने वाला है। इस प्रकार की उत्सुकता, इस प्रकार की एक उमंग और मन में एक उत्साह हमारे होगा तो मैं समझता हूं कि हम विज्ञान की सोच से भी परिचित होंगे, अपनी जिज्ञासा को भी बढ़ाएंगे और जो हमारे सामने तमाम प्रकार के प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम समाधान भी खोज पाएंगे। मैं चाहता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस दौर में हमारे बच्चे देश और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़े, क्योंकि आज ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसा कोई विषय नहीं होता जहां बात होती हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात ना होती हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कठिन से कठिन जो हमारे मार्ग हैं, कठिन से कठिन रास्ते, कठिन से कठिन विधा को आसान बनाने का काम किया है और उन्होंने हमसे अपेक्षा करी है। उत्तराखंड के बारे में उन्होंने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से उन्होंने उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हम सबको अपने अपने क्षेत्रों में काम करना होगा। सरकार इसको साकार करने के लिए लगातार काम कर रही है, उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए और इसी परिकल्पना को लेकर हमने ये आज का विज्ञान महोत्सव जो चंपावत जनपद से प्रारंभ किया है ये एक हमारे लिए उत्तराखंड का मॉडल होगा, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति पूरे उत्तराखंड से मेल खाती है, पूरे उत्तराखंड से। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी जितने भी प्रतिभागी बच्चे आए हैं अपने अपने जनपदों से जिनको यहाँ पर संवाद करने का, अपनी बात रखने का अवसर मिला था, उन सभी ने कहा कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार का कार्यक्रम रखिए, हमारे जनपद में भी कार्यक्रम रखिए। और हमने पहले से तय किया है कि आज जैसे चंपावत जनपद में हो रहा है उसके बाद चमोली जनपद का नंबर आएगा, फिर रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी का आएगा, पिथौरागढ़ का आएगा या बागेश्वर का आएगा। इस तरीके से एक के बाद एक हम लोग कोशिश करेंगे कि हर जनपद में इस प्रकार के कार्यक्रम हो और इसके लिए हमारे राज्य सरकार के सभी विभाग अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। यूपोस्ट इसमें नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार एवं रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले, इसके लिए हमने अनेक योजनाएं चलाई है, हमारी कोशिश है। सभी योजनाओं की प्रक्रियाओं का जो एक कठिन दौर है, एक कठिन दौर समाप्त हो, जो पुरानी जटिल चीजें चली आ रही हैं, उन सबका सरलीकरण हो, हम शोध अनुसंधान और नया नवाचार विज्ञान को ऊपर विशिष्ट रूप से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है राज्य के विकास का हमारा सपना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस दौर में शोध और अनुसंधान से, रिसर्च से और उसके अनुसंधान से, उसके बिना नवाचार का सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता है।
इसको अगर हमें साकार करना है तो हमें विज्ञान आधारित शोध पर ही काम करना होगा। इसके लिए हमने कुछ प्रयोग भी किए हैं विज्ञान के क्षेत्र में, और भविष्य में भी हम लगातार इसको आगे बढ़ाएंगे। राज्य में वैज्ञानिक शोध को जागृत करने के लिए विज्ञान शिक्षा के प्रसार प्रसार हेतु नवाचार अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए हमने तय किया है कि भविष्य में साइंस सिटी का निर्माण कार्य उस पर जो किया जा रहा है उसको तेजी से गति मिलेगी और तेजी से हम साइंस सिटी बनाने का काम करेंगे। इसी प्रकार राज्य के हर क्षेत्र में भी बच्चों ने, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं ने यहां पर अपनी बात रखी, अनुसंधान और शोध गतिविधियों को पहुंचाने के लिए लैब्स ऑन हिल्स का कॉन्सेप्ट हम राज्य के हर जनपद के लिए लेकर आए हैं, ताकि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक भी शोध और अनुसंधान की जो गतिविधियां हैं वहां भी पहुंचाई जा सके, वहां भी प्रारंभ कराई जा सके। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जागरूकता हेतु हल्द्वानी में यूकॉस एवं एरीज के साथ मिलकर एस्ट्रो पार्क का हम निर्माण कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध किया था, उन्होंने भी अपनी सहमति प्रदान की है। ये एस्ट्रो पार्क जो हमारी पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान एवं विज्ञान का मिश्रण होगा, हमारे द्वारा समय समय पर विज्ञान आधारित जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वह भी संचालित किए जाते रहे, वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार और राज्य में विज्ञान आधारित गतिविधियों में वृद्धि हो। यह कार्यक्रम विकास आधारित योजनाओं के लिए एक फाउंडेशन के रूप में काम करे, एक सशक्त नींव का काम करे, इस हेतु हम लगातार काम कर रहे हैं। इस क्रम में अल्गोड़ा में एक उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर इस प्रकार के विज्ञान आधारित कार्यक्रम संचालित होंगे। चंपावत में विज्ञान केंद्र की स्थापना यहां भी प्रस्तावित है, ताकि क्षेत्र में विज्ञान आधारित शिक्षा और जागरूकता का प्रसार हो। आदर्श चंपावत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम राज्य स्तर के सभी विभाग, राज्य सरकार के सभी विभाग अपने अपने स्तर से विकास योजनाएं बना रहे हैं और एक मॉडल पायलट के रूप में पहले यहां कर रहे हैं, उसके बाद संपूर्ण उत्तराखंड में हम उनको ले जाने का काम करेंगे। पायलट के रूप में यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि यहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो संपूर्ण उत्तराखंड के साथ मेल खाती है। और ये कार्यक्रम जिस दिन हमने प्रारंभ किया था उसी दिन हमने कहा था कि हम इसको मॉडल इसलिए बना रहे हैं कि उत्तराखंड का भी जो हमारा मॉडल है वह भी जो भौगोलिक परिस्थिति है, जहां हमारे उधम सिंह नगर और हरिद्वार पूर्ण रूपे मैदानी जनपद के रूप में, नैनीताल और देहरादून कुछ पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ मैदानी क्षेत्र है, उसके बाद हमारे इन नौ जिलों में से चंपावत भी मैं कहूंगा, 8 जिले आधा मैदानी क्षेत्र है और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र है। इसलिए हमने इसको मॉडल के रूप में लिया है कि जो जनपद मॉडल जनपद चंपावत का मॉडल होगा वो मॉडल हम पूरे प्रदेश के अंदर ले जाने का काम करेंगे। और जन संवाद आधारित विकास मॉडल, लोगों के साथ बात करना, संवाद करना, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी योजना हम लाने वाले हो। इस बार के आम बजट से पहले भी हमने जन संवाद कार्यक्रम किया था, प्री बजट कार्यक्रम किया था। हम हर वर्ग में अभी प्रदेश के अंदर जो हमारा समान नागरिक संहिता का जो हम कानून बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, उसके लिए भी पूरी कमेटी पूरे उत्तराखंड के पूरे अनेकों स्थानों का भ्रमण कर रही है, वहां से सभी से संवाद करने के बाद उस पर आगे बढ़ रही है। हमारा मानना है कि निरंतर संपर्क से, निरंतर संवाद से राज्य के सतत विकास हेतु हम तमाम योजनाओं के दृष्टिकोण को आगे ला सकते हैं और लक्ष्य आधारित जो योजनाएं हैं वो बना सकते हैं, जिसमें सभी के विचार आ जाए। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के पर्वतीय क्षेत्र में जो विषम होने के कारण से बुनियादी सुविधाओं के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, हम सब जानते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी नन्हे जो वैज्ञानिक हैं, उनको भी सोचना पड़ता है कि कैसे इन समस्याओं का समाधान निकाला जाए। आप राज्य का नहीं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज आप लोग अपने स्कूल की तरफ से, अपने जनपद की तरफ से आए हैं, कल आप प्रदेश की तरफ से आएंगे और आगे आने वाले समय में आप देश के लिए आएंगे।
आप देश के लिए देश का भविष्य भी तय करेंगे। हमारे राज्य में जहां कृषि के क्षेत्र में, बागवानी, पर्यटन, ऊर्जा, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त सब कुछ मिला हुआ है। जहां पर हमारे यहाँ पर्वत राज है, यहाँ पर लगातार बहने वाली हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास वनों से आच्छादित क्षेत्र है, देवभूमि है, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पर्यावरण, सभी कुछ भगवान का हमें दिया हुआ है। तो इन सभी को, इन अपार संभावनाओं पर आगे बढ़ते हुए इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों पर परस्पर तालमेल बनाते हुए, संतुलन बनाते हुए हम विकास का मॉडल भी बना रहे हैं। हमारे पास अपार पारंपरिक ज्ञान है, इसका सदुपयोग करके जल संचय है, जिसमें हमारे कल्याण सिंह जी, राजेंद्र जी, ये तमाम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक साधना की तरह काम कर रहे हैं। मैं इनका सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ हृदय से कि बहुत कई बार लोगों को लगता है कि बहुत सारे संसाधन होंगे, बहुत सारी हमारे पास व्यवस्थाएं होंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं वो काम को नहीं कर पाती हैं, जितना कि व्यक्ति के जीवन में संकल्प और परिश्रम, और एक तरह से मैं कहूं कि जीवन में जो ठान लिया वो करना है, उस संकल्प पर आगे बढ़ते हुए इन लोगों ने जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह हम सबके लिए अनुकरणीय है। मैं आज इस सम्मेलन में आए हुए, इस वैज्ञानिक महोत्सव में आए हुए सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये सब बच्चे जब यहां से, आप सब मेरे बेटे बेटियों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जब आप यहां से वापस अपने विद्यालय को जाएं, तो आपके सबके मन में वैज्ञानिक, विज्ञान आधारित कई विचार और नवाचार की योजनाएं होंगी और जिज्ञासा, और यहां से बहुत सारी जिज्ञासाओं के समाधान का मंत्र जो हमको यहां से मिले, उसको अपने जीवन में प्रभावित करिए, उसको जीवन में आगे बढ़ाइए। और यह महोत्सव बच्चों के वैज्ञानिक स्वभाव को सुधारने, उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा को शांत करने, वैज्ञानिक सोच समझने, सुधार करने में निश्चित रूप से एक मार्गदर्शन का काम करेगा, पाथवे का काम करेगा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाने का काम करेगा। यह महोत्सव बच्चों के लिए अपनी मौलिकता और नवीनता प्रदर्शित करने और उत्तराखंड का उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। पुनः मेरा प्रणाम था कि आप सब बच्चों के साथ पूरे दिन भर में भी यहाँ पर बैठता, और जैसे आप सीख रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी और शिक्षार्थी रहता है, वो कभी पूर्ण नहीं होता, कभी परिपूर्ण नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि मैं अपने प्रिय छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूं कि अगर मैं भी यह सोचूं कि अब मैंने बहुत सारी चीजें जो कक्षा में पहले नहीं सीख पाया, अब आप सबके बीच में बैठकर पुनः विद्यार्थी बनकर सीख लूं, तो यह संभव नहीं है। व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी तो हमेशा रहता है, लेकिन ये जो क्लास में पढ़ने का समय है, इस प्रकार के टूर में आने का समय है, कौन सा वस्तु है, ये समय हमारे सबके जीवन में कभी नहीं आने वाला। इसलिए आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस समय का पूरा सदुपयोग करिए। आप लोग ये नहीं कि यहां आए हैं तो केवल औपचारिक होकर यहां से चले जाएं, यहां से कुछ सीख कर जाइए, नए अनुसंधान के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, नवाचार के बारे में प्राप्त करिए, जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा के बारे में हमारे सभी वैज्ञानिकों से बात करिए, क्योंकि ये जो आज का दिन है, आज 19 और 20 तारीख जो एक विज्ञान महोत्सव में आप सबको आने का अवसर मिला है, ये अवसर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, माने इस तारीख का अवसर नहीं मिलने वाला, जो इस समय चला गया वो कभी जीवन में लौटकर आने वाला नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग करिए, और जब यहाँ सीखने का समय है, अनुसंधान और विज्ञान को सीखने का समय है, जानने का समय है, तो केवल एक ही काम करिए कि इसको जानिए, पूरा मन लगा के जानिए। अब ये मत सोचना कि घर में क्या हो रहा होगा, छोटी बहन क्या कर रही होगी, छोटा भाई क्या कर रहा होगा, बड़ी दीदी क्या कर रही होगी, मम्मी क्या कर रही होगी, पापा क्या कर रहे होंगे, ये सोचने का समय नहीं है कि अभी टेलीविजन पर कौन सा सीरियल आ रहा होगा, या कोई नई पिक्चर तो नहीं आ रही है, नया कोई वेब कौन सी सीरीज आती है आपको, वो सीरीज तो नहीं आ रही है, या नेटवर्क खोल के जो है वो बाद में देख लेना, आज तो केवल यही सोचिए, पूरा का पूरा अपना डिवोशन यहाँ के लिए करिए। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कि ये आयोजन हमारा आयोजित कर चुके हैं, जिसमें हमारे
विभिन्न क्षेत्रों में।